गुड मॉर्निंग आप सबका स्वागत है समीर मोदी आजादी प्लान की बेसिक ट्रेनिंग में। इस ट्रेनिंग में हम जानेंगे समीर मोदी आजादी प्लान के बेसिक टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स और इनकम्स के बारे में इंट्रोडक्टरी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद आप पूरे सक्षम हो चुके होंगे सही तरीके से अपने ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए। आपको मालूम चल चुका होगा कि किस बोनस को अर्न करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन सा टाइटल कैसे अचीव किया जा सकता है। आपका कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा मोदीकेयर में एंड आई एम श्योर आप आजादी की राह पे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। समीर मोदी आजादी प्लान इस समय भारत का सबसे बढ़िया प्लान है। हम आपके द्वारा गया किए गए वॉल्यूम के ऊपर हर महीने बीवी के टर्म्स में 62% पे आउट्स पे करते हैं एवरी मंथ एंड दिस इज हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। इनफैक्ट समीर मोदी आजादी प्लान एक एक्यूमुलेटिव प्लान है, यानी कि आपका बिजनेस कभी भी जीरो नहीं होता। हर नए महीने की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर आपने पिछला महीना छोड़ा है। टाइटल्स को अचीव करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, जुड़ते हुए क्रम में आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। और आप देखते हैं कि क्योंकि एक्यूमुलेशन का कॉन्सेप्ट है समीर मोदी आजादी प्लान में, इस कारण से सेम वॉल्यूम के ऊपर भी आपकी इनकम लगातार इंक्रीज होती रहती है। जो भी आपको टाइटल्स मिलते हैं वो मिलते हैं फॉर द लाइफ टाइम, यदि आप कुछ बेसिक कंडीशंस को फॉलो करते रहे। सो जो आपको मान सम्मान मिलता है उसका कोई सानी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप बिना इन्वेस्टमेंट के सिर्फ मेहनत करके समीर मोदी आजादी प्लान में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। समीर मोदी आजादी प्लान के साथ साथ मोदी के में आपको मिलते हैं इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर 100% संतुष्टि की गारंटी भी है। जब आप इन प्रोडक्ट्स को अपने दोस्तों को प्रमोट करते हैं, अपने कस्टमर्स, अपने डाउनलाइंस को इनके बारे में बताते हैं और जब वो आपको कहते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, आई एम श्योर आपको बहुत गर्व महसूस होता होगा, क्योंकि हर प्लान का जो बैकबोन है वो प्रोडक्ट ही है। इन सब के अलावा मोदी केयर में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रेनिंग सिस्टम जिसका नाम है सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम है जो आपको पैसा कमाना सिखाता है। आई एम श्योर आप समीर मोदी आजादी प्लान में सही तरीके से काम करके बहुत जल्दी सफलता को अचीव कर सकते हैं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि समीर मोदी आजादी प्लान में पैसा कमाने के टोटल 8 तरीके हैं। सबसे पहले है सेविंग्स ऑन कंजप्शन अप टू 20%, यानी कि जो भी आप सामान खुद के लिए खरीदते हैं उसके ऊपर भी 20% तक आपको छूट मिल सकती है। गुड मॉर्निंग समीर मोदी आजादी प्लान के इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे हमारे प्लान की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। इन बेसिक टर्म्स को समझने के बाद ओवरऑल प्लान की अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एमआरपी, डीपी, पीवी और बीवी के बारे में। हर प्रोडक्ट के 4 वैल्यूज होते हैं। पहला है एमआरपी, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, ये प्रोडक्ट का प्रिंटेड रेट है। दूसरा है डीपी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। क्योंकि आप अब मोदीकेयर के कंसल्टेंट बन चुके हैं, आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट मोदीकेयर से एमआरपी के ऊपर परचेज नहीं करते, आपको वो प्रोडक्ट मिलता है डिस्काउंटेड रेट के ऊपर, जिसे हम कहते हैं डीपी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। तीसरा है पीवी, यानी कि पॉइंट वैल्यू। हर प्रोडक्ट का पहले से ही निर्धारित किया गया एक पॉइंट वैल्यू या पीवी होता है। पीवी इस्तेमाल किया जाता है आपके टाइटल्स और आपकी कमीशंस को डिटरमिन करने के लिए। और चौथा है बीवी, यानी कि बिजनेस वॉल्यूम। जैसे कि हमने आपको बताया कि पीवी
इस्तेमाल किया जाएगा आपके टाइटल्स और आपके कमीशंस को डिटरमिन करने के लिए, लेकिन जब आपके कमीशंस की कैलकुलेशन होगी तो पीवी को बीवी यानी कि बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जाता है। सो एक अनुपात है पीवी और बीवी में, इस समय वो है 1 PV 27 BV, यानी कि जो 1 PV है वो 27 BV के बराबर है। आइए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। और हमारा एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है जिसका नाम है वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। इसके 200 ग्राम वेरिएंट की बात करेंगे। वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर 200 ग्राम्स का जो MRP है वह है 936 रुपए, लेकिन ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा DP पे और इसका DP है 780। इसका पहले से निर्धारित किया गया जो PV है वह है 17.33, और यदि मैं 17.33 को BV में कन्वर्ट करूं, इस PV को BV में कन्वर्ट करूं, तो वह आ जाता है 468। कुछ और टर्म्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, जैसे कि PPV, GPV और क्यूमुलेटिव PV। आइए सबसे पहले जानते हैं PPV के बारे में, यानी कि पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम। जैसा कि अब हम जान चुके हैं कि हर प्रोडक्ट का एक पहले से ही निर्धारित किया गया PV होता है। आपने एक महीने में जितने भी प्रोडक्ट्स खरीदे हैं अपने MCA नंबर के ऊपर, उन सारे प्रोडक्ट्स का जो PV है उसे हम कहेंगे पर्सनल पॉइंट वैल्यू। ये वो वॉल्यूम है पॉइंट वैल्यू का जो आपने खुद अपने MCA नंबर पर एक महीने पे खरीदा है। दूसरी टर्म है GPV यानी कि ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम। आपने और आपने पूरी टीम ने मिलकर जितने PVs की परचेजिंग करी एक महीने में, उसे हम कहते हैं ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम। और तीसरा है क्यूमुलेटिव PV। क्यूमुलेटिव PV आपके GPVs का सम टोटल है, यानी कि जब से आपने बिजनेस शुरू किया तब से लेकर इस महीने तक आपने और आपकी पूरी टीम ने मिलकर कितने PV का परचेज किया है जुड़ते हुए क्रम में, उसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव PV। इन टर्म्स को और अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक क्यूमुलेटिव PV का एग्जांपल। सो मंथ 1 ए 80 पर्सनल PV करते हैं, और ए के 3 लेग्स हैं B, C एंड D। बी में जो बिजनेस होता है वो है 120, सी करते हैं 200 पॉइंट्स का बिजनेस, और डी करते हैं अगेन 200 पॉइंट्स का बिजनेस। सो आपको बताना है कि ए का पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम कितना है, और ए का ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम और क्यूमुलेटिव पॉइंट वॉल्यूम कितना होगा। आई एम श्योर आपने सही सोचा है। नेचुरली ए का जो पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम है, यानी कि उन्होंने अपने MCA नंबर पे कितना परचेज किया, वो है 80। ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम यानी कि पूरे ग्रुप ने कितना परचेज किया, वो है 80 जमा 120 जमा 200 जमा 200, ये बन जाता है 600। और क्योंकि ये पहला महीना ही है, इससे पहले कुछ बिजनेस इस ग्रुप में नहीं हुआ, दिस इज द फर्स्ट मंथ, तो जुड़ते हुए क्रम में क्यूमुलेटिव PV जो होगा मंथ 1 के एंड पर वो भी होगा 600। यही ग्रुप देखते हैं कि दूसरे महीने में क्या बिजनेस कर रहे हैं। मंथ 2 में ए का पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम है 80, बी करते हैं 120 ग्रुप PV का बिजनेस, सी करते हैं 600 ग्रुप PV का बिजनेस, और डी करते हैं 200 ग्रुप PV का बिजनेस। तो आपको यह बताना है कि मंथ 2 के एंड पे ए का PPV, GPV और क्यूमुलेटिव PV कितना होगा। नेचुरली PPV है ऑफ कोर्स 80, ग्रुप PV यानी कि करंट मंथ का टोटल ग्रुप बिजनेस इन पॉइंट वॉल्यूम वो होगा 80 प्लस 120 प्लस 600 प्लस 200
और ये बन जाता है 1000। लेकिन क्यूम्युलेटिव पीवी की अगर हम बात करें तो करंट मंथ के बिजनेस में पिछले महीने का बिजनेस भी ऐड हो जाएगा, यानी कि जब से बिजनेस शुरू किया तब से लेकर इस महीने तक जुड़ते हुए क्रम में कितने पॉइंट वॉल्यूम का बिजनेस हुआ पूरे टीम का मिलाकर। सो 600 क्यूम्युलेटिव पीवी था पहले महीने का, 1000 ग्रुप पीवी था करंट महीने का, 600 और 1000, तो मंथ टू के एंड पे जो क्यूम्युलेटिव पीवी हुआ वो हो जाता है 1600। आई होप आपको इन एग्जाम्पल के थ्रू इन बेसिक टर्म्स के बारे में क्लैरिटी हुई होगी। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम बात करेंगे कुछ और टर्म्स के बारे में और साथ में देखेंगे कि कैसे आप समीर मोदी आजादी प्लान से इनकम अर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे समीर मोदी आजादी प्लान की पहली दो इनकम्स के बारे में। नंबर वन इनकम, सेविंग्स ऑन कंजप्शन अप टू 20%, एंड नंबर टू रिटेल प्रॉफिट अप टू 20%। आइए एक एग्जाम्पल से इन दोनों बेनिफिट्स को समझते हैं। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि हर प्रोडक्ट का एक MRP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और उसके साथ साथ एक DP होता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। जब आप सामान खरीदते हैं तो आप MRP पर नहीं, आप DP पर सामान खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर 200 ग्राम का MRP है 936 और इसका DP है 780, और जो ये डिफरेंस है 156 रुपये, ये बन जाता है आपका बेनिफिट। यदि आपने सामान खरीदा DP पर और खुद ही कंज्यूम कर लिया, सेल्फ कंज्यूम कर लिया, तो ये 156 रुपये आपका डिस्काउंट या आपका सेविंग्स ऑन सेल्फ कंजम्पशन है। पर यदि आपने DP पर सामान खरीदा और MRP पर आगे इसको रीसेल किया, तो ये आपका 156 रुपया रिटेल प्रॉफिट यानी कि खुदरा लाभ हुआ। ऐसे अप टू 20% ऑन DP प्राइस आपको सेविंग्स ऑन कंजप्शन या रिटेल प्रॉफिट मिलता है। इन्हें कहा जाता है अ पेनी सेव्ड इज अ डॉलर अर्नड, एक रुपया बचाना 100 रुपये कमाने के बराबर है। सो आई एम श्योर आप सब ये बेनिफिट चाहेंगे, एंड दिस इज योर फर्स्ट इनकम रियल हार्ड कैश। वेल मल्टीवाइटमिन मल्टीमिनरल टैबलेट्स का MRP है 410, DP 350, बेनिफिट 60 रुपये। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स 466 MRP, DP 395, बेनिफिट 71 रुपये। एनवायरो चिप 660, DP 550, बेनिफिट 110 रुपये। श्लोका मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर का MRP 445, DP 371, बेनिफिट 74। तो हमने देखा कि इन प्रोडक्ट्स का टोटल MRP है 2917 रुपये और टोटल DP है 2446 रुपये, और हमारा जो टोटल बेनिफिट हुआ इन प्रोडक्ट्स के ऊपर वो हुआ 471 रुपये। ऐसे हमारे पास 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो आप DP पर परचेज करते हैं, और हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिस्काउंट, सेविंग ऑन कंजम्पशन, रिटेल प्रॉफिट होता है। सो क्यों ना अपनी घर की दुकान बदली जाए, डायरेक्टली मोदी से सामान खरीदा जाए और हर प्रोडक्ट के ऊपर बेनिफिट लिया जाए। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म को देखें, कस्टमर प्राइस लिस्ट को देखें, और इन क्वेश्चंस में दिए गए प्रोडक्ट्स का रिटेल प्रॉफिट या सेविंग्स ऑन कंजम्पशन काउंट करें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। समीर मोदी आजादी प्लान के इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे समीर मोदी आजादी प्लान की तीसरी इनकम के बारे में, जिसका नाम है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। शुरुआती कंसल्टेंट्स के लिए यह एक बहुत ही बेहतरीन बोनस है। इनफैक्ट पहले दिन से ही, जैसे ही आपने कुछ भी परचेज किया, आप एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आइए इस बोनस को अच्छे तरीके से समझते हैं। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की जो परसेंटेज लेवल्स हैं वो हैं 7% से लेकर 22% तक, और ये परसेंटेज लेवल्स डिसाइड की जाती हैं आपके एक्यूमुलेटेड पीवी के ऊपर। हम ऑलरेडी जान चुके हैं
पीवी क्या होता है, जीपीवी क्या होता है और क्यूमुलेटिव पीवी क्या होता है। सो यदि आपका जुड़ते हुए क्रम में अभी तक क्यूमुलेटिव पीवी है 1 से लेकर 300 के बीच में, तो आप कहलाए जाते हैं कंसल्टेंट और आपका परसेंटेज लेवल होता है 7%। आपका क्यूमुलेटिव पीवी आगे बढ़ता है, यदि ये क्यूमुलेटिव पीवी की रेंज 301 से 1200 के बीच तक है तो आप कहलाए जाते हैं सीनियर कंसल्टेंट और आपका परसेंटेज लेवल होगा 10। इसी तरह से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, 1201 से 2700 आप कहलाए जाएंगे एसोसिएट सुपरवाइजर और परसेंटेज लेवल होगा आपका 13। 2701 से 4500 डिप्टी सुपरवाइजर, परसेंटेज लेवल 16। 4501 से 6000 आपका परफॉर्मेंस बोनस लेवल होगा सुपरवाइजर और परसेंटेज लेवल होगा 19%। और जैसे ही आप 6001 या उससे ज्यादा ग्रुप पीवी करते हैं जुड़ते हुए क्रम में, एक्यूमुलेटिव पीवी आपका 6001 या उससे ज्यादा हो जाता है तो आप बन जाते हैं डायरेक्टर और आपका परसेंटेज लेवल होता है 22/22। आइए देखते हैं कि कैसे इन परसेंटेज लेवल्स के थ्रू आपका एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस कैलकुलेट किया जाता है। सो इस एग्जाम्पल में मंथ वन में राहुल का जो पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम है वो है 80। राहुल के नीचे दो लेग्स हैं, सचिन एंड विनोद। सचिन 80 पॉइंट वॉल्यूम का बिजनेस करते हैं और विनोद 40 पॉइंट वॉल्यूम का बिजनेस करते हैं। इस स्ट्रक्चर में यदि हम देखें 80 प्लस 80 160 प्लस 40 इज 200, ये 300 से कम है, 1 से लेकर 300 की रेंज में है, तो राहुल बन जाते हैं 7% और इनको बुलाया जाएगा एज अ कंसल्टेंट। मंथ टू में राहुल अगेन 80 पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम का बिजनेस करते हैं, सचिन भी 80 और विनोद भी 40। सेम बिजनेस जो मंथ वन में किया वही बिजनेस इन्होंने मंथ टू में किया, लेकिन अब ये बन जाएंगे सीनियर कंसल्टेंट एट 10%, क्योंकि 200 पहले महीने का और 200 दूसरे महीने का जुड़ते हुए क्रम में ये हो जाता है 400। और जो एक्यूमुलेटिव रेंज है वो 300 से लेकर 1200 के बीच में, 301 से लेकर 1200 तक सीनियर कंसल्टेंट यानी कि 10% कहलाया जाता है। मंथ थ्री में राहुल बिजनेस करते हैं पॉइंट पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम का 80, सचिन का ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है 400, विनोद 40 एंड सौरव 400। और मंथ थ्री के एंड पे जुड़ते हुए क्रम में राहुल पहुंच जाएंगे एसोसिएट सुपरवाइजर, इनका परसेंटेज लेवल होगा 13%। कैसे कैलकुलेशन होगा इन बोनसेस का, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस का, आइए हम उसको समझते हैं। सो मैं एग्जांपल ले रहे हैं अगेन राहुल, जिन्होंने अपना पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम किया 80, सचिन का ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है 80 और विनोद का ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है 200। सो राहुल का जो टोटल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम हुआ 80 प्लस 80 प्लस 200 वो हुआ 360, और इस कारण से राहुल पहुंचे 10% के लेवल पे। लेकिन अब इन पॉइंट वॉल्यूम को बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जाएगा एपीबी को कैलकुलेट करने के लिए। सो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जीपीवी इंटू पीवी बीवी रेशो, और फिर उसका हम परसेंटेज निकालेंगे। सो जीपीवी है 360, पीवी बीवी रेशो है 27, तो 360 इंटू 27, और फिर इसका हमने 10% निकाला जिस लेवल पे राहुल पहुंच चुके हैं, तो आंसर आया ₹972। इसका मतलब यह है कि राहुल और राहुल के पूरे ग्रुप में ₹972 डिस्ट्रीब्यूट होंगे इस केस में। सचिन की यदि हम बात करें, उसका ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है 80, जिस कारण से सचिन का लेवल बनता है 7, और जो सचिन को एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा
वो मिलेगा 80 × 27 × 7%, ये बनता है 151.20 पैसा। विनोद का ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है 200, परसेंटेज लेवल है 7, और विनोद को जो परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा वो मिलेगा 200 × 27 × 7%, ये बनेगा 378। राहुल के पास नेट एपीबी कितना आया वो कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत सिंपल है। सो 972 जो कि राहुल और राहुल के पूरे ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसमें से हम सचिन को जितना मिला 151.20 पैसा और विनोद को जितना मिला 378 रुपया, इसको माइनस कर लेंगे, जो बैलेंस बचा 442 रुपए और 80 पैसा, ये रहेगा सचिन का एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस के बारे में और क्लैरिटी मिली होगी। आगे आने वाली ट्यूटोरियल में हम एपीबी के बारे में और ज्यादा विस्तार में बात करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। समीर मोदी आजादी प्लान के इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे पावर ऑफ एक्यूमुलेशन के बारे में, जो कि हमारे एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस का एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस में जो आपके परसेंटेज लेवल डिसाइड होते हैं वो जुड़ते हुए क्रम में आपने और आपकी टीम ने अभी तक कितना पीवी किया है उसके ऊपर डिसाइड होते हैं। यानी कि आप अपना नया महीना कभी भी जीरो से शुरू नहीं करते, जहां पर आपने पिछला महीना खत्म किया है वहीं से ही आप अपना नया महीना शुरू करते हैं, और इस कारण से आपका परसेंटेज लेवल और आपका बोनस लगातार इंक्रीज होता है। इस फीचर को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इस एग्जांपल में पहले महीने जो ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम हुआ वो है 160। नेचुरली क्योंकि ये पहला महीना है तो जो एक्यूमुलेटेड पॉइंट वॉल्यूम होगा वो भी 160 ही होगा, और जो रेंज है बिटवीन 1 to 300 7% लेवल बनता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो एपीबी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा 302 रुपए 40 पैसा। ये 302 रुपए 40 पैसा कैसे कैलकुलेट हुआ, 160 × 27 जो कि पीवीबीवी रेशो है × 7% इज 302 रुपए 40 पैसा। मंथ टू में अगेन जो ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम हुआ वो हुआ 160। एक्यूमुलेट यदि हम कर दें जुड़ते हुए क्रम में तो 160 ऑफ मंथ वन, 160 ऑफ मंथ टू, मंथ टू का जो एक्यूमुलेटेड पीवी होगा वो होगा 320। परसेंटेज लेवल बनेगा 10 और एपीबी डिस्ट्रीब्यूट होगा 432 रुपीज। गौर करने वाली बात यह है कि पहले महीने 160 जीपीवी हुआ, दूसरे महीने भी 160 जीपीवी हुआ, लेकिन परसेंटेज लेवल 7 और 10 थी, जिस कारण से जो एपीबी हुआ डिस्ट्रीब्यूट वो हुआ 202 रुपए 40 पैसा और 432 रुपए। सेम बिजनेस बट द परसेंटेज लेवल वॉज मोर एंड द एपीबी डिस्ट्रीब्यूशन वॉज मोर। सो ये है पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। एक और एग्जाम्पल से इस फीचर को समझते हैं। इस एग्जाम्पल में मंथ वन, मंथ टू, मंथ थ्री, तीनों मंथ्स में जो जीपीवी हो रहा है वो है 2200 2200 2200। पहले मंथ के एंड पे एक्यूमुलेटेड जीपीवी है 2200, दूसरे मंथ के एंड पे एक्यूमुलेटेड जीपीवी नेचुरली 4400, और तीसरे मंथ के एंड पे जो जीपीवी रहेगा वो होगा 6600 एक्यूमुलेटेड। परसेंटेज लेवल होगा 13 16 22, और एपीबी अगर आप देखें लगातार इंक्रीज हो रहा है 7722, मंथ टू में 9504 और मंथ थ्री में 13068 रुपी। ध्यान से देखें जीपीवी मंथ वन, मंथ टू, मंथ थ्री में सेम है, यानी कि बिजनेस तो बराबर ही हुआ है तीनों महीने में, लेकिन परसेंटेज लेवल और जो बोनस अर्न हुआ है वो लगातार हर महीने बढ़ता जा रहा है, और ये पॉसिबल हुआ है
एक्यूमुलेशन की पावर के कारण। सो हम चाहेंगे कि इस बोनस को आप अच्छे तरीके से समझें, पावर ऑफ एक्यूमुलेशन के फायदों को आप अच्छे तरीके से अपनी टीम को बताएं, ताकि आप इसका बेनिफिट लेकर अपने सपनों को पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे समीर मोदी आजादी प्लान की एक बहुत ही क्रिटिकल टर्म के बारे में, जिसे हम कहते हैं पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम, या इन शॉर्ट पीजीपीवी। पीजीपीवी को समझना बहुत जरूरी है यदि आप समीर मोदी आजादी प्लान को टोटैलिटी में समझना चाहते हैं, और इस टर्म को समझने के बाद और अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को बिल्ड करने के बाद आप अपने बिजनेस में एक नई रफ्तार ऐड कर सकते हो। आइए जानते हैं क्या है पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम या पीजीपीवी। पीजीपीवी को समझना बहुत आसान है। वेरी सिंपली, पीजीपीवी सम टोटल है जितने भी आपकी नॉन डायरेक्टर लेग्स हैं उनमें जितना पीवी है, प्लस जो आपका पर्सनल पीवी है, यानी कि आपका पर्सनल पीवी प्लस योर 7%, 10%, 13, 16 एंड 19% लेग्स। पीजीपीवी में उन लेग्स का पॉइंट वॉल्यूम या पीवी ऐड नहीं होता जो 22% पर पहुंच चुकी हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, और इस एग्जांपल में फिर हम पीजीपीवी कैलकुलेट करेंगे। और स्ट्रक्चर में अपलाइन का पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम है 200, तीन लेग्स हैं। ए लेग में जो पॉइंट वॉल्यूम है वो है 800, बी लेग ऑलरेडी 22% पे है और बी में जो पॉइंट वॉल्यूम हुआ वो हुआ 1600, और सी 10% पे है, सी से जो पीवी आ रहा है वो है 1100। अब आपको ये बताना है कि इस केस में अपलाइन का पीजीपीवी कितना हुआ। नेचुरली सबसे पहले पीवी फ्रॉम नॉन डायरेक्टर लेग्स, यानी कि फ्रॉम ए एंड फ्रॉम सी। बी ऑलरेडी 22% पे है, तो बी का 1600 पीवी पीजीपीवी में काउंट नहीं होगा। सो 800 फ्रॉम ए लेग, 1100 फ्रॉम सी लेग एंड 200 पर्सनल पीवी। 800 प्लस 1100 प्लस 200 ये बन जाता है 2100। सो इस स्ट्रक्चर में जो पीजीपीवी हुआ वो हुआ 2100। एक और एग्जांपल देखते हैं। इन दिस एग्जांपल द अपलाइन इज एट 13% और उनके नीचे तीन लेग्स हैं 7, 10 एंड 10। अब आप बताएं कि इस एग्जांपल में अपलाइन का पीजीपीवी कितना होगा। वेल यू हैव गेस्ड इट राइट, इस केस में पीजीपीवी है 0, क्योंकि पीजीपीवी सिर्फ 22% को ही मिलता है। पीजीपीवी का जो इंपॉर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, वो सिर्फ 22% के लिए ही है, या उन कंसल्टेंट्स के लिए है जो डायरेक्टर लेवल पर हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस केस में अपलाइन इज एट 22% और उनका पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम है 120। उनकी तीन लेग्स हैं, एक है 22% पे जहां से जीपीवी आया 200, दो लेग्स हैं 10% ईच, एक लेग से 400 और दूसरी लेग से 600। तो आपको बताना है कि इनका पीजीपीवी कितना होगा। नेचुरली 120 प्लस 400 प्लस 600 ये बना 1120। सो आई होप इन एग्जाम्पल्स के साथ आपको पीजीपीवी क्लियर हो चुका होगा। एक बार दोबारा बता देते हैं, आपका पॉइंट वॉल्यूम, पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम प्लस आपकी जितनी भी लेग्स हैं जो नॉन डायरेक्टर लेग्स हैं उनमें जो पॉइंट वॉल्यूम हुआ है उसका सम टोटल, और आपका पॉइंट वॉल्यूम का टोटल, इसे हम कहते हैं पीजीपीवी। पीजीपीवी यूज किया जाएगा आपके टाइटल्स को डिटर्मिन करने के लिए, और साथ ही साथ आपका अगर सबसे प्रॉफिटेबल कोई पीवी है तो वो पीजीपीवी ही है। अगले ट्यूटोरियल में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग।
समीर मोदी आजादी प्लान के इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड अबव टाइटल प्रोग्रेशन के बारे में। कैसे आप लीडरशिप टाइटल्स को अचीव करेंगे, कैसे आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, ये सारा कुछ हम पता करेंगे इसी ट्यूटोरियल में। और समीर मोदी आजादी प्लान में टाइटल्स को समझना बहुत आसान है। इस चार्ट में आप डायरेक्टर एंड अबव टाइटल्स की कंडीशंस को, रिक्वायरमेंट क्वालिफाइंग कंडीशंस को देख रहे हैं। हमें जानते हैं कि पहली बार हम डायरेक्टर तब बनते हैं जब हम जुड़ते हुए क्रम में 6001 या उससे ज्यादा एक्यूमुलेटेड पीवी को अचीव करते हैं। जिस महीने हम 6001 एक्यूमुलेटेड पीवी पर पहुंचे और यदि हमारा उसी महीने पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम मिनिमम 26 है तो हम बन जाते हैं डायरेक्टर। पहली बार तो हम डायरेक्टर बन सकते हैं जुड़ते हुए क्रम में, लेकिन अगली बार डायरेक्टर को रीक्वालिफाई करने के लिए कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट है। तो यदि हमें दोबारा डायरेक्टर रीक्वालिफाई करना है तो हमारा पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम होना चाहिए मिनिमम 26 और पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम होना चाहिए मिनिमम 1250। यदि हमारे डाउन में एटलीस्ट एक लेग ऐसी है जो डायरेक्टर लेवल पर है, डायरेक्टर लेवल या उससे हायर लेवल पे है और हमारा पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम है 26, पीजीपीवी है 1100, तो हम बन जाएंगे सीनियर डायरेक्टर। ऐसे ही बाकी टाइटल्स आगे बढ़ते हैं। दो क्वालिफाइंग डायरेक्टर लेग्स, पीपीबी 26, पीजीपीवी 900 विल बिकम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। थ्री डायरेक्टर लेग्स, पीजीपीवी 26, पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम 26, पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम 600 विल बिकम सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। चार क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स, पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम 26, पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम 300, हम बन जाएंगे प्लैटिनम डायरेक्टर। और इसके आगे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर्स के लिए हमें चाहिए 6 क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स, पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम 26, बेशक कोई पीजीपीवी ना हो तो भी चलेगा। 8 लेग्स के ऊपर क्राउन डायरेक्टर, 11 लेग्स पे रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर और 14 लेग्स पे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। सारे टाइटल्स के लिए डायरेक्टर टू ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर द पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम रिक्वायरमेंट इज सेम विच इज मिनिमम 26। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू टाइटल्स की रिक्वायरमेंट को समझते हैं। इस एग्जाम्पल में ए हु इज एन अपलाइन, इनका पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम है 120, इनकी तीन लेग्स हैं बी सी एंड डी। बी और सी क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स हैं, डी अभी 10% पे है और उनका जीपीवी है 800। आपको यह बताना है कि ए का टाइटल क्या होगा। जी हां, आपने एकदम सही सोचा है, ए इस केस में होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्योंकि इनकी दो क्वालिफाइड लेग्स हैं बी एंड सी। पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम भी 26 से ज्यादा है और जो पीजीपीवी है वो अगर हम देखें, ए का पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम 120 और डी का पीवी 800, ये हो जाता है 920, ये भी 900 या उससे ज्यादा है। सो तीनों कंडीशंस मीट हो रही हैं और ए इस केस में बन जाएंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस केस में ए का पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम है 20, दो क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स हैं बी एंड सी, डी लेग में से 800 पीवी आ रहा है, आपको बताना है कि इनका टाइटल क्या होगा। यस, अगेन यू गेस्ट इट राइट, इनका टाइटल होगा डायरेक्टर नॉन क्वालिफाइड, क्योंकि जो ए का पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम है वो 26 से कम है। अगर पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम 26 से कम है, हमें कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ स्किप कर सकते हैं, पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम के ऊपर हमेशा ध्यान रखें। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस केस में ए का पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम है 100, 26 से ज्यादा है। बी और सी, बी क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग है, सी डायरेक्टर तो है लेकिन क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि सी का पीजीपीवी 1250 से कम है, इस केस में सिर्फ 400 है। डी 10% के लेवल पे है और इनका जो जीपीवी है वो है 400। तो आपको बताना है कि ए का टाइटल क्या होगा। इस केस में भी ए जो है वो नॉन क्वालिफाइड होंगे, क्योंकि ऑल दो इनके पास एक क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग तो है बी, लेकिन जो साइड वॉल्यूम है वो 1100 से कम है।
और यदि सीनियर डायरेक्टर लेवल अचीव करना है तो साइट वॉल्यूम कितना होना चाहिए? मिनिमम 1100। सो आई होप विद दिस एग्जांपल्स आपको टाइटल्स रिक्वायरमेंट के बारे में और पता चला होगा। आप फटाफट अपने लोगों को एनेबल करें, अपने डाउनलाइन को एनेबल करें, उन्हें डायरेक्टर बनाने के लिए सक्षम करें ताकि आप भी अपने हाई टाइटल्स को अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। समीर मोदी आजादी प्लान के इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम के बारे में, जो कि नए कंसल्टेंट्स को तेजी से मोदी के बिजनेस शुरू करने के लिए एडिशनल रिवॉर्ड्स देता है। फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम क्या है इसको समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में पहले महीने ए ने बिजनेस किया 80 पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम का। ए की दो लेग्स हैं, बी और सी। बी की लेग में भी बिजनेस हुआ 80 पीवी का और सी की लेग में भी बिजनेस हुआ 80 पीवी का। टोटल जो ग्रुप पीवी हुआ ए का वो हुआ 80 प्लस 80 प्लस 80 व्हिच इज 240। अब आपको ये बताना है कि मंथ वन के एंड पे ए का परसेंटेज लेवल क्या होगा। यस, यू गेस्ड इट राइट, ए 7% नहीं 10% होंगे और उनको टाइटल दिया जाएगा फास्ट सीनियर कंसल्टेंट। यदि हम एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस के चार्ट को देखें और जो सबसे पहला परसेंटेज लेवल है 7%, उसका जो एक्यूमुलेटेड पीवी रेंज है वो है बिटवीन 1 to 300 और 301 से लेकर 1200 तक परसेंटेज लेवल बनता है 10%। लेकिन इस केस में जो ग्रुप पीवी हुआ है वो है सिर्फ 240, फिर भी ए 10% के लेवल पर आ चुके हैं। यस, आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और क्या है फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम। और यदि ए एक ही महीने में 240 ग्रुप पीवी का बिजनेस कर रहे हैं तो उन्हें क्या एडिशनल बेनिफिट हुआ। आई एम श्योर ये एडिशनल बेनिफिट आप अपनी टीम के हर एक व्यक्ति को दिलवाना चाहेंगे। सो अंडर द फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम आप फास्ट सीनियर कंसल्टेंट बन सकते हैं यदि आप एक ही महीने में 240 जीपीवी का बिजनेस करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सिर्फ कंडीशन यह है कि 10% के लेवल पर पहुंचने से पहले पहले आपने 240 जीपीवी का बिजनेस एक महीने में करना है। और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप सीधा ही 10% के लेवल पर पहुंच जाएंगे, टाइटल आपको मिलेगा फास्ट सीनियर कंसल्टेंट और इसके अलावा आपको अंडर द फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम 750 रुपए के प्रोडक्ट्स, जो प्री सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं, वो 1 रुपए की कीमत पर मिलते हैं। अब फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आप पूरी जिंदगी भर में सिर्फ एक ही बार 10%र बनते हैं। क्योंकि पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार 10%र बनना है, क्यों ना फास्ट 10% या फास्ट सीनियर कंसल्टेंट बना जाए और ये 750 रुपीज के प्रोडक्ट लिए जाए एडिशनल बेनिफिट के तौर पे मोदी के द्वारा। सो आई होप आप फास्ट प्रोग्राम को सबको प्रमोट करेंगे। विद दिस थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। समीर मोदी आजादी प्लान के इस ट्यूटोरियल में अब हम इंट्रोडक्टरी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, शुरुआती जानकारी लेंगे हमारे बाकी बोनसेस के बारे में, जैसे कि डायरेक्टर बोनस, आउटबाउंड ट्रेवल बोनस, ड्रीम व्हीकल बोनस, ड्रीम होम बोनस एंड लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे चौथे बोनस यानी कि डायरेक्टर बोनस के बारे में। डायरेक्टर बोनस हर क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड अबव को मंथली पे किया जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं
हम पहली बार डायरेक्टर बनते हैं जब हम जुड़ते हुए क्रम में 6001 या उससे ज्यादा पीवी एक्यूमुलेट करते हैं, और दूसरी बार हम डायरेक्टर तब बनते हैं, डायरेक्टर रीक्वालिफाई हम कर सकते हैं यदि हमारा पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम है मिनिमम 26 और पीजीपीवी है मिनिमम 1250। सो जिस महीने भी हम डायरेक्टर क्वालिफाई होंगे उस महीने हम हकदार होंगे डायरेक्टर बोनस के। डायरेक्टर बोनस कंपनी के टोटल बीवी के 14% पूल से दिया जाता है, और डायरेक्टर बोनस को कैलकुलेट करने के लिए एक पॉइंट सिस्टम है। हर क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड अबव को डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स दिए जाते हैं, और एक फॉर्मूला के थ्रू इन पॉइंट्स को डायरेक्टर बोनस में कन्वर्ट किया जाता है। अभी एक इंट्रोडक्टरी सेशन में हमने जाना क्राइटेरिया क्या है डायरेक्टर बोनस अर्न करने का। आगे आने वाले हमारे एडवांस ट्रेनिंग में हम देखेंगे कि डायरेक्टर बोनस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। पांचवा बोनस है आउटबाउंड ट्रेवल बोनस। आई एम श्योर आप सबकी एक इच्छा है विदेशों की यात्रा करना। सो यदि आप विदेशों की यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास मौका है आउटबाउंड ट्रेवल बोनस कमाकर स्पॉन्सर्ड बाय मॉडिकेयर विदेशों की यात्रा करने का। आउटबाउंड ट्रेवल बोनस लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? यह बोनस दिया जाता है हर क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर एंड अबव को। जैसा कि हम साइड में फिगर में देख रहे हैं, सीनियर डायरेक्टर बनने के लिए हमें क्या करना है, हमारा पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम होना चाहिए मिनिमम 26 और हमारा पीजीपीवी होना चाहिए मिनिमम 1100। साथ में ऑफकोर्स हमारे पास एक क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग भी होनी चाहिए। जिस महीने भी हम मिनिमम सीनियर डायरेक्टर या अबव टाइटल क्वालिफाई करेंगे उस महीने हम हकदार होंगे आउटबाउंड ट्रेवल बोनस के, और यह बोनस कंपनी के टोटल बीवी के 3% पूल से दिया जाता है। पर ध्यान रहे, आउटबाउंड ट्रेवल फंड सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है मोदी केयर के द्वारा स्पॉन्सर्ड लीडरशिप सेमिनार्स के लिए जो हम फॉरेन लोकेशंस में ऑर्गेनाइज करते हैं। पिछले कुछ सालों में मोदी के लीडरशिप कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज करता आया है दुनिया के कुछ बहुत ही एक्सोटिक लोकेशंस में, जैसे कि मॉस्को, जैसे कि दुबई, जैसे कि इस्तांबुल, जैसे कि सिंगापुर एंड मलेशिया। इन लीडरशिप सेमिनार्स को क्वालिफाई करने के लिए आपका कमाया गया आउटबाउंड ट्रेवल बोनस एक्यूमुलेट होगा, और जुड़ते हुए क्रम में जब आप अपने ट्रेवल बोनस को एक्यूमुलेट करते हैं साल में एक बार आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं मोदी केयर के लीडरशिप आउटबाउंड कॉन्फ्रेंसेस के लिए। आई होप आप मिनिमम सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे जल्दी से जल्दी और अपनी विदेशों की यात्रा के सपने को पूरा करेंगे। छठा बोनस है हमारा ड्रीम व्हीकल फंड, एक बड़ी आलीशान गाड़ी लेने के लिए। और ड्रीम व्हीकल फंड को क्वालिफाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाइटल करना लगातार 3 महीने के लिए। अगर हम लगातार 3 महीने सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं तो चौथे महीने से हमें ड्रीम व्हीकल बोनस मिलना शुरू हो जाता है। आउटबाउंड ट्रेवल बोनस की भी तरह ड्रीम व्हीकल बोनस एक्यूमुलेट होगा जो कि आपको दिया जाएगा जब आप गाड़ी खरीदेंगे। एससीडी करने के लिए बहुत सिंपल है, आपका पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम होना चाहिए मिनिमम 26, पर्सनल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम होना चाहिए मिनिमम 600, और आपके पास मिनिमम 3 क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स होनी चाहिए। सातवां बोनस है हमारा ड्रीम होम बोनस, आपके सपनों के घर को बनाने के लिए। ड्रीम होम बोनस हर ड्रीम होम फंड क्वालिफायर को दिया जाता है। ड्रीम होम बोनस में आने के लिए हमें प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर मेंटेन करना है फॉर कंसेक्यूटिवली 3 मंथ्स। लगातार 3 महीने आप प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर टाइटल अचीव करें, चौथे महीने से आपको ड्रीम होम बोनस दिया जाता है। और प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर करने के लिए हमारा पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम होना चाहिए मिनिमम 26
और मिनिमम 6 क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग्स होनी चाहिए। ड्रीम होम बोनस मोदी केयर के मंथली बीवी के 3% पूल से पे किया जाता है। एंड 8th बोनस इज लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, जो कि समीर मोदी आजादी प्लान का सबसे बड़ा बोनस है। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस को अर्न करने की क्या क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहले आप होने चाहिए मिनिमम सीनियर डायरेक्टर पेड एज टाइटल, यानी कि उस महीने आप सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड हो। इसके अलावा आपके डाउन में एटलीस्ट एक लेग ऐसी हो जिसमें 3600 ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम हो और उसी लेग में एटलीस्ट एक क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर हो। यदि आप ये 3 कंडीशंस अचीव कर लेते हैं तो आप हकदार बन जाते हैं लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस के।